हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, चल चल के हम लोग गांव में ऐसे ऐसे जगह पहुंच रहे हैं जो उद्यमी लोग हैं। मतलब मैं जो बोलता रहता हूं कि नौकरी छोड़िए, अपना काम करिए, तो ऐसे ही हम लोगों को मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग, तो उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश कुमार जी, तो ये जो आप लोअर बना रहे हैं जी, क्या प्रोसेस है इसका बनाने का? इसका सर, पहले तो इस बाहर से हम लोग रोल मंगाते हैं। ये कपड़े का? जी जी, कपड़े का रोल आता है। ठीक है, वो दिखाएंगे क्या रोल? कपड़ा पूरा प्रोसेस दिखाते ना लोगों को जी। तो ये कहाँ से आया आइडिया आपके दिमाग में? सर, पहले तो मेरा जंगीपुर मार्केट है, उस पे मैं खुद का दुकान है। अच्छा, है ना। ठीक है, तो दुकान है, वहाँ से हमने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे दिल्ली उलिस में माल मंगाता था, रेडीमेड मंगा के बेचते थे जी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग करूं। सही है, और अपना भी देखूं और जैसे कि दूसरे दुकानों को सेल करूं इसको। तो ये जो आपने स्टार्ट किया होगा, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, आपसे अच्छा कोई नॉलेज नहीं देगा कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया आपने। बहुत सारा परेशानी होता है कि आप कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, इसका ये नाड़ा कैसे मिलेगा, बनेगा कैसे, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? सर, जैसे कि मार्केट में निकला हम ना, ठीक है ना, तो कम से कम बनारस से हमने स्टार्ट किया सब। पहले तो स्टार्टिंग मेरठ से स्टार्ट किया। ठीक है, मेरठ में मैं रहा हूँ, 8-10 साल में वहाँ पे गुजार चुका हूँ जी। ये उसकी इसकी फैक्ट्री वहाँ जी, यहाँ फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल भी मिलता है। कितने का पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट था आपका ये? सर, कम से कम 5 लाख के समथिंग। 5 लाख रुपये में आपका स्टार्ट हो गया जी। जब शुरू में आपने ये लोअर बनाए, एक दिन में कितना प्रोडक्शन आप निकाल लेते हैं? फिलहाल तो एक दिन में 60-70 पीस आराम से निकल जाता है, लेकिन अच्छा। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुई थी क्योंकि कारीगर भी इधर मिलना मुश्किल हो जाता है। रोजगार भी दे रहे हैं आप, क्या बात है। ये पूरा सेटअप दिखाएंगे, कहाँ बनाते हैं आप, कैसे बनाते हैं? सर देखिए, ये टेबल है जैसे कि जो हमारा रॉ मटेरियल आता है, इस पे बिछता है। रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है, जरा वो रॉ मटेरियल दिखाइए। आ जाओ भाई, अंदर आइए आप लोग, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और ये जो है, लोग बोलते हैं कि आप देखिए, इन्होंने दुकान छोड़ के जो दुकान पे ये बेचते थे रेडीमेड लेके, अपना फैक्ट्री डाल दिया इन्होंने। जूता वगैरह उतारते हैं फिर अंदर चलते हैं। आप भी आइए आशुतोष भाई, ये देखिए, ये छोटा सा इन्होंने सेटअप कहाँ लगा रखा है, ये सोचिए आप। ये सेटअप इन्होंने लगा रखा है गाजीपुर के बिल्कुल एक अंदरूनी गाँव में, जिसका नाम है, क्या नाम है भैया गाँव का? नवादा। क्या बात है, इस पंखे को बंद कर देंगे क्या थोड़ी देर के लिए? ये देखिए आप, पूरा सेटअप इन्होंने लगाया, 5 लाख का खर्चा आया था टोटल आपका। ये क्या बात है, कैसे कैसे बनता है सर, रॉ मटेरियल दिखाइए जरा एक बार। इसका एक धागा आता है, इसमें धागा कौन आता है? अच्छा, ये सब मशीन पे फिट होता है। ठीक है, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी स्टार्टिंग उस मशीन से होता है। अच्छा, इस मशीन से क्या होता है? इसमें से जैसे कि ज्वाइंटिंग है, जैसे कि ये 4 पार्ट में आता है। ठीक है, है ना। तो आ रहा है ना क्लियर? लाइटिंग तो नहीं चाहिए, नहीं तो ये वाला जलवा लो। देखिए, छोड़ छोड़िए, देखिए ये जो 4 पार्ट में आता है। अच्छा, है ना, दो दो फ्रंट का आता है, दो बैक का आता है। ठीक है, ठीक है। फिर तो ये मतलब रोल आता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, रोल आता है। तो इस रोल को पहले आप लोग कटिंग करते हैं? बिल्कुल, टेबल पर कटिंग करते हैं, टेबल पर कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आप इस पे आता है। फिर जो ये वाला सिलाई है, हाँ, साइड वाला सिलाई, ये वाला जो फ्रंट का जो सिलाई है, इस पे ज्वाइंट होता है। अच्छा, ठीक है। इसमें पॉकेट ऐड होता है, है ना, पॉकेट चैन सब लगता है, फिर पट्टी इस पे लगता है, फिर ये लोग फिर सिंगर से काम होता है तरीके से। तो एक लोअर में कितना लागत आता है आप लोगों का? एक लोअर में जैसे कि इसका जैसे कपड़े के रेट के ऊपर होता है, जैसे है। कुछ किलो के हिसाब से आता है, कुछ मीटर के हिसाब से भी आता है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट में पता करते हैं कि 5 लाख रुपये आपने लगाया, तो महीने का कितना कमा रहे हैं? सर फिलहाल तो अभी ओवरेजन क्लियर में नहीं बता पाऊंगा। एक मोटा मोटी बताइए, अगर बहुत अच्छा आपको जिस टाइम काम चल रहा होता है, तो एक मोटा मोटी कितना कमा लेते हैं आप सारा खर्चा निकाल के? अब सारा खर्चा निकाल के समझिए कि 50-60 हज़ार से इनकम आराम से, है ना, सारा लेबर ओवर का निकाल के जी, जी। अब देखो आप लोग, अगर ये अब दुकान पर अगर आप माल लेके बेच रहे होते, 50 हज़ार का माल लेते हैं आप? नहीं सर, रिस्क लिया ना आपने, अपना करते हैं। तो ये जो पूरा सेटअप आपने बिठाया जी, ये सेटअप बिठाने के लिए जो आपने सारा अरेंजमेंट किया, ये तो ये कहीं आपने देखा था, सुना था, या फिर कैसे? नहीं सर, पहले फिलहाल दुकान से अपने दिमाग में आया कि जो मैं दूसरी जगह से मतलब मंगा रहा हूँ, हाँ। क्यों ना मैं खुद का मैन्युफैक्चरिंग करूँ, और मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ लोगों के जैसे क्या परेशानी आई आपको स्टार्टिंग में? सर स्टार्टिंग में परेशानी तो सबसे बड़ी कारीगरों की है, गाँव में सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई मशीन बिगड़ जाता है तो सीधे आपको बनारस ही जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। 1 रुपया अगर सुई लेना हो, चाहे आपको कोई बड़े से बड़े सामान लेना हो, सिर्फ बनारस ही मिलेगा। आप देखो, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी लगे हुए हैं, कोई वो नहीं कि अब भैया, एक होता है कि हर चीज अवेलेबल है, फिर भी कहते हैं नहीं होगा।
बिकेगा नहीं। अब आप बना रहे हो, स्टार्टिंग में आपने जब किया था तो कितने पीस बेचे थे आपने शुरुआत में? अब स्टार्टिंग तो सर अपने दुकान से ही शुरू किया था, फिर धीरे धीरे मार्केट में हम। ये देखिए आप, ये इनका पूरा पैकिंग है, पैकिंग है, रेडी माल, रेडी माल है। देखिए आप, अब ये गांव में बिल्कुल अंदर, अब ये ऐसा गांव है जहाँ की सड़कें मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम जाएंगे ना इधर से तो मैं आपको इसका सड़क दिखाऊंगा कैसे उबड़ खाबड़ है। उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है कि नहीं? लोग गुजरात से लेके बेचते हैं, आपने यहीं पे गुजरात बना दिया, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसे हर कोई कर सकता है। कुछ बताइए, अगर जो कहते हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं सर, करने को तो अगर कोई नहीं करना चाहता तो उसको कुछ भी पॉसिबल है तो वो समझेगा कि नहीं, मना ही करेगा, बोलेगा वो। लेकिन सर अगर लगता है कि नहीं कुछ करना है हमको, हाँ है ना, तो उसके लिए तो भाई कुछ भी रात दिन मेहनत करेगा आदमी सक्सेस होगा। कितने लोगों को रोजगार दे रखा है सर? कम से कम पांच लोग, पांच छह लोग, पांच लोगों का परिवार ये चला रहे हैं और साथ में 50,000 रुपए भी कमा रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, एक दिन का खेल नहीं है। तो दो तीन चीजें जो इस काम में आपको परेशानी आई थी, जैसे बनाते हो तो हर कोई जो कुछ काम करता है तो कुछ ना कुछ आता है ऐसा जिसमें आप रुक जाते हैं, क्या था वो? कुछ ऐसा बताइए अगर कोई इस काम को करना चाहता है तो। नहीं सब करना तो अच्छी बात है, इसको करिए आप, ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ भाई, अगर इसका अगर सोचे कि अगर नहीं करना है तो कुछ परेशानियां आती है तो परेशानियों का हल भी है, उसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना, रुकना नहीं चाहिए। नहीं सर, चलते रहना चाहिए। देखो आप कितना बढ़िया सेटअप इन्होंने लगा गाँव में। गांव में तो लाइट फिलहाल तो ठीक है, 17-18 घंटे मिल रही है। एक लोअर बनने में कितना टाइम लगता है तैयार होने में? एक लोअर में समझिए 15-20 मिनट एक लोअर तैयार होता है। सब लोग कितने, 5-6 लोग मिल के? जी जी जी। और आप खुद भी लगे पड़े हो, कटिंग वटिंग आप खुद करते हो? नहीं, उनके उसके मास्टर है। तो आप मतलब क्या करते कर रहे हैं? आयरन करते हैं और उसका सप्लाई करते हैं सर। अच्छा, मार्केटिंग आप खुद देखते हैं? जी जी। कोई बंदा वंदा नहीं रख रखा? नहीं सर। क्या बात है, गाजीपुर के आसपास अगर किसी को चाहिए लोअर तो आपसे आके ले सकते हैं, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना, क्या पता दो चार आ जाए। अरे बिल्कुल, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो इनका नाम क्या बताया था नाम आपने? सतीश कुमार सर। सतीश कुमार जी है, अगर किसी को चाहिए हो तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कितना स्टार्ट है आपका लोअर, एक लोअर कितने से स्टार्टिंग है? एक लोअर सर मेरा जैसे कि मिनिमम है 125 से। 125, क्या बात है, 125 रुपये में गाँव के गाँव में लोअर मिल रहा है आपको, बाहर से नहीं मांगना, 150-200 का तो आराम से बिक जाता होगा। बिल्कुल, है ना, तो आप इनसे लेके बेच सकते हैं। तो आप लोग देखो, आप लोग खुद भी इससे सेटअप लगा सकते हैं, 4-5 लाख रुपये आप तो लोन भी मिल जाता है आसानी से, है ना। चलिए फिर मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।